हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये एक छोटी सी क्लिप मैंने ऑफिस में ही बनाई थी और शाम के बजे थे, मतलब 4:30 या 5 बजे का टाइम हुआ था। और लंच हमारा 1 से 2 बजे के बीच होता है, तो कभी कभी 4 बजे या 5 बजे के आसपास हल्की फुल्की भूख लग जाती है। तो बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखती हूँ जो कि इंस्टेंटली किसी भी छोटी मोटी भूख को शांत करने के लिए काम चला देती हैं आपका। तो यहाँ पे नोर के मेरे पास ये सूप होते हैं, तो बस मैं यहाँ पे गर्म पानी बॉईल कर लेती हूँ। तो कुछ ज़्यादा बर्तन होता नहीं है, तो जो पानी पीने के ग्लास होते हैं उसमें ही मैं ये सूप का जो मिक्सचर होता है वो मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छा लगता है सर्दियों में सूप वगैरह। मोस्टली तो मैं टोमेटो वाला ही पीती हूँ और कोई फ्लेवर मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है ट्यूसडे और डेट है आज 21 जनवरी। और अभी मैं किचन में ही जा रही थी शाम का खाना बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल, शायद दाल ही बनाऊँगी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी जो मोटे वाली हरी मिर्च आती है, मतलब जो अचार वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है, तो उससे मैं स्टफ़ मिर्च बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या, मतलब उसमें क्या स्टफ़ करते हैं, क्योंकि कई तरीके से बनती है। आप प्याज भी कर सकते हैं, आप आलू भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आलू भी मेरे पास रखे हैं बॉयल हुए, क्योंकि सुबह मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो उसके लिए आलू बॉयल किए थे, तो वो रखे हुए हैं। और तो देखती हूँ दोनों चीज़ें करते हैं या क्या करते हैं। और कपड़े वगैरह मैंने अभी चेंज किए हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डेली ही ये वाली शॉल और ये वाली स्वेटर पहनती हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मैं जो बाहर कपड़े पहन के जाती हूँ ऑफिस में, वो मैं घर में नहीं पहनती हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है, खासकर वुलन्स, क्योंकि वुलन्स क्या होता है कि अगर आप बाहर वाले वुलन्स किचन में काम करते हो या घर का काम करते हो पहनते हैं, तो उसमें फिर वो बात नहीं रहती है। तो मेरे पास 2 स्वेटर, मतलब 2 जर्सी है जो कि मैं आके पहनती हूँ, तो और एक ये है, मतलब एक शॉल है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ अपने घर में पहनने के लिए। और मोस्टली 1 वीक में ही मैं वॉश करती हूँ इनको, क्योंकि ज़्यादा देर मैं पहनती नहीं हूँ। सिर्फ आके मैं 1-2 घंटा पहनूँगी, फिर रात को मैं पहनती नहीं हूँ। सुबह में भी किचन का काम करते हुए 1-2 घंटा पहनूँ। तो वुलन्स का ऐसा नहीं है कि उनको आपको हर बार जब आप पहनते हैं तो वॉश करना ही होता है। वो 2-3 दिन, 2 बार भी अगर आप पूरा दिन पहनते हैं तो आप 2 बार उसको, 3 बार पहन सकते हैं वुलन्स को। तो मैं भी रात को 1-2 घंटा पहनती हूँ, सुबह में भी, तो मेरा 1 वीक चल जाता है। और उसके बाद या तो मैं उसी को दोबारा पहन लेती हूँ, जैसे अगर मैंने आज इसको सुबह में वॉश कर दिया तो शाम तक वो लगभग सूख जाता है। जब धूप निकलती है तब तो सूख ही जाता है, अभी धूप नहीं निकल रही तो नहीं सूखता है। तो मैं आके फिर उसी को पहन लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको चेंज भी करती रहती हूँ। हाँ, मेरे पास 2 स्वेटर है जो कि मैं नॉर्मली रोटेट कर लेती हूँ, नहीं भी करती ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको कभी धोती नहीं हूँ या जो भी है, तो वीकली मैं इनको धोती हूँ। और संडे को नहीं धोती हूँ, क्योंकि संडे को तो फिर फुल डे मुझे पहनने होते हैं, तो मैं किसी भी वीक डे पे धो लेती हूँ कि मंडे को, ट्यूसडे को, ताकि अगर धूप निकले तो शाम तक वो सूख भी जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है आप लोगों के मन में ये बात आए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताई। अदरवाइज मुझे बोला तो किसी ने भी नहीं था ये चीज़ के लिए, खुद ही मुझे लगा कि शायद आप लोगों को लगेगा कि डेली यही कपड़े पहनते हैं, यही स्वेटर, यही शॉल होता है। शॉल मेरे पास एक ही है जो मैं घर में मतलब ओढ़ती हूँ या पहनती हूँ, और स्वेटर 2 हैं। तो कभी कभी मैं वो पहन लेती हूँ और कभी कभी इसको पहन लेती हूँ, तो जैसा मन होता है वो वैसे ही। फिर एक दिन जो पहन लिया वीक में, तो पूरा वीक में फिर उसी को पहनती हूँ। तो यही सब चीज़ें थी। तो चलिए चलते हैं किचन में, करते हैं काम स्टार्ट। और हितेश आज बोल तो रहा है कि उसने होमवर्क किया है, क्योंकि उसका थोड़ा सा ड्राइंग का काम पेंडिंग का है, तो आज किसी भी हाल में वो मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि कल वो कहीं चला गया था अपने पापा के साथ, मतलब फिर 9:30 आया, उस टाइम तक मुझे भी नींद आ गई थी। और मुझे ना आजकल थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है, पर मतलब हो ही जाता है कि कभी कभी आपके पास इतना ज़्यादा काम आ जाता है कि थकावट आपकी पूरी होती ही नहीं है। और एक संडे का जो दिन होता है उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा रेस्ट नहीं हो पाता, इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, और संडे का काम ही इतनी लेट स्टार्ट होता है कि बस पूछिए मत, आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है नाश्ता बनाने में, लंच बनाने में।
तो आजकल थकावट ज़्यादा हो रखी है, तो रात को ज़्यादा लेट नहीं सोती मैं, क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा लेट सोऊंगी तो फिर सुबह आँख नहीं खुलती है, वैसे ही इतनी ठंड हो रखी है। तो इसीलिए उसका काम मुझे आज कराना है कंप्लीट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हितेश से नहीं हो पाएंगी तो वो मुझे करानी पड़ेंगी। तो कल भी उसने काफ़ी लेट मुझे बोला है, तो तब तक मुझे ना थोड़ी नींद आ गई थी, मैं भी आलस कर गई, तो मैंने कहा नहीं मैं कल कर दूंगी। तो आज वो मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है, तो फटाफट से मैं पहले किचन का काम निपटा देती हूँ, फिर उसका काम करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किचन में। किया नहीं क्या अभी काम स्टार्ट? हाँ, जो बचा हुआ है वो कह रही हूँ। तो अरहर की दाल बनाऊंगी मैं। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ मैं, और भिगोंगी नहीं, सीधा इसको डायरेक्ट बॉईल कर लूँगी, और बॉईल भी मैं अलग तरीके से करूँगी। और ये वाली दाल तड़का लगाने के बजाय अगर इस तरीके से बनाई जाए, बॉईल करते टाइम ही आप उसमें मसाले वगैरह डालें और ऊपर से फिर आप तड़का लगाएं, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो किस तरीके से बनाऊंगी वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरीके से भी अगर आप बनाते हैं, तो अरहर की दाल तो खासकर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखें अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं अरहर वाली दाल। तो दाल को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, उसके बाद मैं दाल को बॉईल होने के लिए कुकर में डाल दूंगी, और दाल के अकॉर्डिंग मैं लगभग 3 साढ़े 3 गुना पानी लूंगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल मुझे नहीं बनानी है, क्योंकि कई बार गाढ़ी दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है, पतली पतली दाल ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी गाढ़ी दाल पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे दाल मैंने डाल दिया है, उसमें पानी डाल दिया। उसके बाद जो चीज़ें हम तड़के में यूज़ करते हैं, जैसे प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, वो मैं डायरेक्ट जो दाल और है उबालने के लिए मैं रखूँगी उसी में डाल दूँगी, ताकि जब दाल में सीटी आए तो ये चीज़ें भी उसके साथ ही पक जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक थोड़ा मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और जो सूखे मसाले हम डालते हैं दाल में वो भी मैं अभी डाल दूंगी, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। तो बस सारी चीज़ें मैंने अभी बॉईल होते टाइम डाल दिया। उसके साथ मैंने 1-1.5 चम्मच के आसपास यहाँ पे तेल, रिफाइंड जो भी यूज़ करते हैं, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के दाल को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बस दाल को मैं उबलने के लिए रख दूंगी, और 2 सीटियाँ लगवाऊंगी, 2 सीटी में ये दाल अच्छे से हो जाती है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भरवा मिर्च बनाने वाली हूँ, तो मिर्च जो अचार वाली मोटी वाली होती है, हरे वाली मैंने ली है, क्योंकि लाल भी आती है अचार की मोटी मिर्च। तो हरे वाली मिर्च जो है उसको मैंने बीज से कट लगा के उसके जो बीज वगैरह होते हैं वो मैं निकाल दूँगी। तो बस एक एक करके मैं यहाँ पे सारी मिर्चों के जो बीज है वो निकाल दूँगी, क्योंकि इनको मुझे फिर मसाला जो मैं बनाऊँगी उनसे फिल करना है, तो इसीलिए पहले इनको अंदर से खाली करना ज़रूरी है। और पहले मैं प्याज ही डालने वाली थी इसके जो मसाला है उसमें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक आलू भी डाल देते हैं। तो एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है मैंने, 3 प्याज लिए हैं, और हरी मिर्च अगर आप तीखे वाली डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली मिर्चें ज़्यादा तीखी होती नहीं है। तो मैंने नहीं डाली है, मैंने सिर्फ प्याज लिए थे और एक आलू लिया था। तो मैंने इन सब को चॉपर में कर लिया है, चॉपर में करना थोड़ा सा इजी होता है, अदरवाइज़ आप कद्दूकस में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेक्सचर सेम ही रहता है अगर कोई चीज़ आप कद्दूकस से करते हैं या चॉपर से। तो चॉपर में एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। और उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाले हैं, वही नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो मिर्ची अगर आप चाहे तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। उसके बाद मैंने जो मसाला बनाया है अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक एक करके मैं जो हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने अभी खाली करके या साफ करके रखा था उनमें मैं इसको भर दूंगी।
सारे यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है जो मसाला बनाया था उसका, और लगभग सारी मिर्ची फिल हो चुकी है। सिर्फ लास्ट में जो थोड़ी बड़ी थी उसमें हल्का सा कम डला है, अदरवाइज सारी अच्छे से फिल हो गई है, आप देख सकते हो। तो अभी इनको थोड़ा तड़का लगाऊंगी मैं, मतलब फ्राई करूंगी तेल के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में ले लेती हूँ तेल, तो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है इनको। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैं ये सारी मिर्ची डाल दूंगी। उसके बाद बीच बीच में इनको पलटते रहना है ताकि चारों तरफ से मिर्ची पक जाए, क्योंकि ये जो मोटी मिर्च होती है इसकी जो लेयर होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसको चारों तरफ से आपको पकाना पड़ेगा पलट पलट के बीच बीच में। और गैस को भी आपको बिल्कुल सिम रखना है, अदरवाइज वो एक साइड से जल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे अभी तेल थोड़ा सा बस गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी और गैस को बिल्कुल सिम कर दूंगी। मिर्चों को मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि वो धीरे धीरे बनती रहेंगी। और दाल मेरी उबल चुकी है, कुकर का प्रेशर भी ठंडा हो चुका है, तो अभी मैं दाल का तड़का बना रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा हींग, एक लाल मिर्च और आधा चम्मच के आसपास जीरा। और इस तड़के को मैं अच्छे से पका लूँगी पहले गैस पे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको जो दाल है उसमें ऐड कर दूँगी। और जैसे ही मैं तड़का दाल में डालूँगी तो उस प्लेट को मैं ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि जो सारा फ्लेवर है तड़के का वो दाल में ऐड हो जाए। और कुछ मिनट के लिए मैं दाल को फिर से पकाऊँगी ताकि तड़के के साथ भी दाल बहुत अच्छे से पक जाए। तो अब तक मेरी मिर्चें एक तरफ से पक चुकी है, मतलब सॉफ्ट हो चुकी है, तो बस मैं धीरे धीरे इनको पलट दूंगी। और पलटते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि ये जो स्टफिंग है मसाला है वो बाहर ना निकले। और इसी तरीके से मैं इसको फिर से ढक दूंगी और बीच में मैं 2-3 मिनट के बाद इसको फिर से चेंज कर दूंगी इसकी साइड को। तो इसी तरीके से ये सारी मिर्चें धीरे धीरे पक जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मिर्च एकदम से पक चुकी है और ये मिर्चें बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी तीखी नहीं होती है, तो जिन लोगों को तीखी पसंद है वो अपने मसाले में ही ज़्यादा मिर्ची या जो हरे वाली तीखे वाली मिर्ची आती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस मेरा सारा किचन का काम मैंने जल्दी से निपटा दिया था, खाना वाना सब हमारा हो चुका था। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर हितेश का जो होमवर्क था, जो एक्टिविटीज़ मुझे करनी थी, तो पेपर से कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी थी, मतलब कुछ शेप क्रिएट करनी थी, उसके बाद उसको पेस्ट करना था। जैसा कि वहाँ पे आप देख सकते हैं पेज पे दिखाया है कि ऊपर फ्लावर टाइप बना हुआ है, वो पेपर से बनेगा और उसके बाद उसके ऊपर कुछ वर्डिंग लिखनी है हैप्पी बर्थडे टाइप, तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटी करनी थी। तो वैसे तो हम तीनों ही बैठे थे, हितेश अपना होमवर्क कर रहा था और मैं इधर एक्टिविटी कर रही थी, हस्बैंड उसको होमवर्क करा रहे थे। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठे थे इस काम को लेके। और इस तरीके से जब कोई छोटा मोटा काम भी हम लेके बैठते हैं पूरी फैमिली, तो ये एक फैमिली टाइम जैसा ही स्पेंड होता है, अच्छा लगता है। और ऐसा ही नहीं कि यही काम, कोई भी काम जब हम साथ बैठ के मिलके करते हैं तो वो टाइम ही थोड़ा सा अलग होता है, इंजॉय होता है उस टाइम के अंदर। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये करना है, कैसे फ्लावर की शेप इससे क्रिएट होगी, और इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे थे बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी। तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये किस तरीके से होगा, बहुत इजी था बट थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही थी उस वजह से। तो इसी तरीके से और भी कई प्रोजेक्ट्स थे जो हमें कंप्लीट करने थे तेज के, तो वो सारे हमने बैठ के आज कंप्लीट कर दिए। तो इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।